24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ತಪ್ಪು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರೆ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದರೆ ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮೋದಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಯಾಕೆ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಾಸನ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಸನ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಸನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮತ ನೀಡುವಂತೆ ಯಾವ ಮುಖ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪುರ, ಹತ್ರಾಸೀಗ, ಹಾಸನ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಸೇರಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को आज से 15-16 दिन पहले मैसूरू में प्रचार कर रहे थे और प्रचार करके वो प्रज्वल रेवन्ना की तारीफ कर रहे थे, उनकी पीठ थपथपा रहे थे और उनके लिए वोट मांग रहे थे. और भी बहुत सारी तस्वीरें प्रज्वल रेवन्ना की मोदी जी के साथ हैं. मोदी जी का परिवार आजकल चल रहा है, उसके हिस्सा है. यहां पर भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर प्रज्वल रेवन्ना है. मेरे लिए सबसे जरूरी तस्वीर ये वाली है और ये इसलिए जरूरी है और एक मैं महिला होने के नाते कहती हूं, जिस तरह की बातें, जिस तरह की रिपोर्ट, जिस तरह के वीडियो, जिस तरह की हरकतें सामने आई हैं, दिस इज द विंस्टीन मोमेंट फॉर आवर कंट्री. एक आदमी इतनी दरिंदगी, इतना बड़ा राक्षस हो सकता है ये सोचा नहीं जा सकता है. उसके हजारों वीडियो, सैकड़ों औरतों की जिंदगी तबाह करने वाले, हर तबके की औरतें, फ्रॉम एवरी सोशल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम एवरी एज ग्रुप, अपेरेंटली अ 63 ईयर ओल्ड हाउस होल्ड वर्कर, घर में काम करने वाली औरतें, पार्टी की कार्यकर्ता, जिला पंचायत की सदस्य, किसी को इस राक्षस ने नहीं छोड़ा. तमाम वीडियो पेनड्राइव पर सामने है. सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी इस आदमी ने तबाह करी. हासन का एमपी और बीजेपी का और जेडीएस का संयुक्त उम्मीदवार. अब आप कहेंगे कि गलत इसने किया है, राक्षस ये है, दरिंदगी इसने की है. मैं मोदी जी का नाम क्यों बोल रही हूं? नरेंद्र मोदी ने जिस दिन ये फोटो खिंचाई, जिस दिन प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगा, जिस दिन उनके साथ मंच साझा किया, जिस दिन उनकी पीठ थपथपाकर तारीफ की, उस दिन नरेंद्र मोदी उसकी सारी वहशियत, उसकी सारी हरकतें जानते थे. एंड विद ऑल द ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई कम टू यू विद, नरेंद्र मोदी न्यू एग्जैक्टली व्हाट दिस मैन वॉज, एग्जैक्टली व्हाट ही वॉज डूइंग. ही न्यू अबाउट ऑल द एलिगेशंस. He knew exactly what was in those videos. सब कुछ जानते बूझते हुए भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी ने इस राक्षस को, इस दरिंदे को अपना उम्मीदवार बनाया. और मैं हल्के में नहीं कह रही, उनको पता था. देवराज गौड़ा उन्हीं के नेता, उन्होंने दिसंबर 2023 में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नड्डा को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ चिट्ठियां लिखी पर मेल भी करी और बोला कि इसके खिलाफ ऐसे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे सबूत हैं, इसको उम्मीदवार ना बनाया जाए. ये दिसंबर की बात है. जनवरी में वो कर्नाटका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बेंगलुरु में, और दूध का दूध और पानी का पानी होता और बताते हैं कि ऐसा ही आदमी है, इसके खिलाफ ऐसे वीडियो है, ऐसे सबूत है, ऐसे साक्ष्य है, इसको ना बनाया जाए.
उम्मीदवार अमित शाह फरवरी और मार्च के बीच में कर्नाटका आते हैं और उनसे बीजेपी के एक नहीं सैकड़ों कार्यकर्ता कहते हैं इस आदमी को कैंडिडेट मत बनाइए, इसके खिलाफ महिला विरोधी यौन उत्पीड़न यौन शोषण के दरिंदगी के वीडियो हैं। उनके पूर्व एमएलए रामास्वामी जी, उनके पूर्व काफी सारे एमएलए उनसे कहते हैं इस आदमी को मत बनाइए, और उसके बावजूद भी मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर सारा सच जानने के बाद भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। जब एसआईटी गठित होती है, कर्नाटका की महिला आयोग एसपी को चिट्ठी लिखती है, सीएम को लिखती है, बिना विलंब के हम एसआईटी गठित करते हैं, यह आदमी भाग जाता है, यह देश छोड़कर भाग चुका है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह पता रहता है कि प्रियंका गांधी अपनी बेटी से मिलने दो दिन के लिए कब गई, उनको यह नहीं पता है कि यह दरिंदा देश छोड़कर भाग गया है। लेकिन एसआईटी जो हमने गठित करी है वो इसके एक्सट्रेडिशन के लिए, इसके प्रत्यार्पण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, समर्पित है, और हम इंश्योर करेंगे कि दिस मैन शुड कम बैक एंड ही शुड फेस द माइट ऑफ इंडियन लॉ। लेकिन इस बात से कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं और वो सवाल खड़े होने लाजमी है। आज ये देश, आज इस देश की औरतें उस वीडियो में होने वाली दरिंदगी, उस वीडियो में होने वाली हैवानियत, उस वहशी दरिंदे को देखकर पूछ रही है किस मुंह से नरेंद्र मोदी ने इसको टिकट दिया, किस मुंह से नरेंद्र मोदी इसका प्रचार प्रसार करने गए, इसकी पीठ थपथपाई, इसके लिए वोट मांगे। सब कुछ जानते हुए, वो सब कुछ जानते थे, उनकी पार्टी के नेता सब कुछ जानते थे, उनको बताया गया था। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ? क्या पहली बार नरेंद्र मोदी या बीजेपी उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने औरतों का शोषण किया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कुलदीप सिंह सेंगर, हु हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर एंड रेप, वॉज प्रोटेक्टेड बाय द सेम गवर्नमेंट, बाय द सेम पीपल टिल द वेरी एंड। द इलाहाबाद हाईकोर्ट हैड टू इंटरवीन और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था। कोई भी जलो या मरो, आपको कोई परवाह नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपका क्या नाम है? महबूब मकानदार। महबूब भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इतना बड़ा मामला सामने आया, विमेन कमीशन ने इसको स्वतः संज्ञान लिया, उन्होंने नोटिस इश्यू किया, उस तरह के जो 3000 के करीब वीडियो सामने आए हैं, सैकड़ों औरतों की जिंदगी बर्बाद हुई है, तो हम क्या करें? हम अपने मुंह में दही जमाकर जिस पर जीएसटी लगा दिया सरकार ने, चुपचाप बैठे रहे? मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है सर, दिस इज नॉट अ डिबेट, प्लीज डोंट। मैं बोल रही हूँ, आपकी सरकार आई विल नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, ये डिबेट नहीं है, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ऊपर मत बोलो, ये टीवी डिबेट नहीं है और आप टीवी डिबेट के पार्टिसिपेंट नहीं है, आप पत्रकार हैं, आप मुझसे एक नहीं 10 सवाल पूछिए, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए, बीच में मत बोलिए, ये टीवी डिबेट नहीं है, ये टीवी डिबेट की तरह कंडक्ट भी नहीं होने दूंगी मैं। अगर आप इस तरह से करेगा तो आप प्रेस वार्ता कर लीजिए, इस तरह से नहीं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने एक काउंटर क्वेश्चन पूछा, अगर ऐसी घटना सामने आई है तो हम क्या करें? हम चुप रहे हैं, हम इसलिए चुप रहे हैं क्योंकि चुनाव चल रहा है। अरे चाहे वो चुनाव के वक्त हो या चुनाव के वक्त ना, मणिपुर के टाइम पर तो कोई चुनाव नहीं था, बिल्किस बानो के टाइम पर तो कोई चुनाव नहीं था, सिर्फ एक पार्टी ने इस पर बोला था और वो कांग्रेस पार्टी थी। ये क्या सवाल है कि हम क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत हुई है, बिल्कुल गलत हुई है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप इस चीज को बिल्कुल गलत कलर दे रहे हो, मैं बता दूं क्यों। किसी भी सभ्य समाज में अगर एक भी औरत के साथ गलत होता है, वो चाहे मैसूर हो या मणिपुर हो, वो गलत है। सरकार कार्रवाई क्या करती है ये ज्यादा जरूरी है। मणिपुर में जब ये गलत होता है तो 76 दिन तक उसको छुपाया जाता है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते तो हम बिल्कुल शोर मचाएंगे। प्रधानमंत्री जानते बूझते हुए इस आदमी को उम्मीदवार बनाते, हम बिल्कुल मुद्दा बनाएंगे। एक सभ्य समाज में
सरकारों का, ऑपोजिशन का, पॉलिटिशियंस का ये काम है, ये टीवी डिबेट नहीं है कि जिसमें आप मेरी तई, ये मुद्दा दलगत राजनीति से ऊपर है। चाहे चुनाव होते चाहे ना होते, ऐसे दरिंदों की, ऐसे राक्षसों की ना हमारे सार्वजनिक जीवन में ना हमारे समाज में कोई जगह है। ಏವನ್ ಆರೋಪಿ ರೇವಣ್ಣ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ದಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಏನೇನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತನಿಖಾ ತಂಡದವರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕರೆ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್, ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಆಲ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವನ್ನ ಈಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತೇವಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಮ್ಯಾಗೂ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. What is Kumar Swami going to say? Allah, our Appa. What is Kumar Swami going to say? Kumar Swami is Modi's ally. Modi's ally in this picture. What do you mean he has nothing to do with him? Was Devarajan going to have lied? Is he lying about the fact that he sent all the proofs, the mails, the pen drives to the BJP headquarters? Is he lying about writing about this to the state leadership? He is not. If he is telling the truth, if people met Amit Shah, they gave their petitions. Apparently, they met him in Mysuru. Where is the doubt? For how long will this country shut its eyes when Narendra Modi is concerned? I want to know this. Manipur hoga, to Modi ji ki galti nahi hai. Bilgiswan hoga, Modi ji ki galti nahi hai. Uttarakhand hoga, Modi ji ki galti nahi hai. Kuch galat hoga, Modi ji ki koi galti nahi hai. Kuch sahi hoga, to sirf aur sirf Modi ji hoga. Neeraj Chopra javelin phekega, Modi ji ki wajah se. Commonwealth mein medals aayenge, Modi ji ki wajah se. Swimming mein koi jeetega, Modi ji ki wajah se. वैक्सीन हमारा बनेगा मोदी जी की वजह से. वहां पर चंद्रयान पे हम जाएंगे साइंटिस्ट की नहीं, मोदी जी की वजह से. अच्छा अच्छा मीठा मीठा गप होगा, कड़वा कड़वा थूक होगा, बिल्कुल नहीं. ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಾಸಕರು ಆದ ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್, ನೈನಮೋಟ ಮಸ್ತರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ 24 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.